नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोबाइल गीक्स पे आपका स्वागत है गाइस। और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मारुति सुजुकी जिम्नी। ये दोस्तों आप जानते हैं कि ये ऑफ रोड के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है इंडियन मार्केट में। और आपको बता दूं कि ये कार इंडियन मार्केट में कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च होगी और बहुत सारे लोग उसकी वेट भी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे मारुति सुजुकी जिम्नी की प्राइस, उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट और काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में गाइस मिल जाएगी। तो गाइस कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हमारे आप मिस न कर पाए। और इस वीडियो की लाइक का टारगेट रखते हैं सिर्फ हम 500 लाइक्स, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए गाइस। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 7.5 लाख रुपीज से स्टार्ट होगी एंड 9 लाख रुपीज में आपको ये कार इंडियन मार्केट में मिल जाएगी। उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अराउंड मई 2020 तक इस कार को लॉन्च किया जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड वर्जन 4x4 SUV है ये कार, जिम्नी सियेरा होगी, जिसमें आपको 1.5 लीटर का आपको नेचुरली एस्पायरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल मोटर, मैक्स पावर आपको मिलेगा 100 BHP और बोथ इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 4 स्पीड ऑटोमेटिक में आपको ये कार मिल जाएगी। और नवी सुजुकी जिम्नी ऑफर करेगी सुजुकी ऑल ग्रिप प्रो 4x4 सिस्टम फॉर इम्प्रूव ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। और आपको बता दूं कि जो न्यू सुजुकी जिम्नी है उसका लुक्स आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हम जो उसका फ्रंट लुक देखे तो उसमें आपको हैवी स्टाइलिंग डिजाइन चेंजेस मिलेगी। ऑब्वियसली आपको अपडेट एक्सटीरियर मिलेगा, इंक्लूड द आइकॉनिक 5-स्टोर ग्रिल फिनिश इन मैट ब्लैक आपको देखने को मिल जाती है। वैसे तो जो सुजुकी जिम्नी है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा उसका व्हील बेस रहेगा। और उसके में आपको उसकी डायमेंशन की बात करें तो उसमें आपको मेजर जो लेंथ मिलेगी वो 3300 mm मिलेगी और विथ मिलेगी 1475 mm और व्हील बेस आपको 2250 mm का आपको इसमें मिल जाएगा। जो टॉप स्पेक आएगी, मतलब कि जो टॉप एंड वेरिएंट आएगी हाईएस्ट प्राइस में जिम्नी सियेरा, जो वो उसमें आपको 300 mm लॉन्गर होगी कंपेयर टू स्टैंडर्ड वर्जन से। और उसकी जो व्हील आर्चेस होगी वो 120 mm एक्सटेंड आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी जो क्लासिक हेडलैम्प्स है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इंडिविजुअली टर्न इंडिकेटर मिलेगा, कंट्रोल एडेम्स मिलेंगे, डाउन फॉग लैंप्स मिलेंगे और बॉक्सी व्हील आर्चेस और स्टाइलिंग ब्लैक एंड स्पॉक एलो व्हील्स के साथ आपको इस मिल जाएगी। ब्लैक ट्रीटमेंट ORVMs विथ कॉन्ट्रास्ट रूफ देखने को आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। तो जो उसकी जो फ्रंट लुक की बात की, उसकी जो साइड लुक है उसमें आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। उसकी जो व्हील बेस है वो काफ़ी अच्छा है, पीछे की बात की पीछे भी काफ़ी अच्छा है। मुझे वो गाइस जरूर बताएगा कि जो उसका डाउन फॉग लैंप्स है वो आपको कैसा लगता है। उसमें आपको जो इंटीरियर की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और ब्लैक एंड कलर की आपको स्कीम दिखने को मिलेगी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड भी दिखने को मिलेगा। और जो डैशबोर्ड थे वो पुराने चेंजेस के साथ इंडियन मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जो लाइक है उसकी जो सेंटर आपको आइकॉनिक डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी बहुत इंस्पायर लगेगी अपनी सेगमेंट में आने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट और से। और जो उसके एयर वेंट्स है वो आपको इग्निस के और से इंस्पायर देखने को जरूर मिलेगा। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको स्विफ्ट में दिए जाते हैं, कीलेस एंट्री मिलेगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे। और आपको टॉप स्पेक मॉडल में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आने वाली 2020 मारुति सुजुकी जिम्नी इन इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी इंडियन मार्केट में मेरे की ओर से, क्योंकि जो ऑफ रोड उसकी कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी अच्छी है, उसकी जो डायमेंशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी है, व्हील बेस काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मैं ऐसा जरूर कह पाऊंगा कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार है उसकी कंपटीटर में ये कार जरूर मिलेगी आपको देखने में। आप मुझे बताएगा कि ये कार जैसे ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हो, मारुति सुजुकी जीप, मारुति सुजुकी जिम्नी या फिर महिंद्रा की जो थार नेक्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी वो। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दी हुई है जो मारुति सुजुकी जिम्नी के इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की जितनी भी खबर है वो तक। तो गाइस कहना चाहता हूँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी अपडेट हमारे ओर से आप मिस न कर पाए। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।